हेलो एवरीवन, मैं हूँ सारा और द सारा शो में आपका स्वागत है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए साल 2020 कई मायनों में बुरा रहा, मगर साल 2021 उतना ही धमाकेदार होने जा रहा है। जो 2020 में बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई वो तो इस साल रिलीज हो ही रही हैं। साथ ही लॉकडाउन के बाद जो फिल्में बनकर तैयार हुई इसी साल रिलीज किया जाना है और इसी वजह से साल 2021 बॉलीवुड का एक अलग ही इतिहास लिखने जा रहा है। हर साल आप फिल्मों में क्लैश के बारे में सुनते होंगे, मगर साल 2021 में तो पांच बड़े क्लैश होने जा रहे हैं। किन किन फिल्मों का क्लैश होगा इसकी जानकारी भी साझा कर दी गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए फैन संग ये खुशखबरी पहुंचाई है। उन्होंने बताया है कि साल 2021 में बड़े त्योहारों के मौके पर पांच बड़ी फिल्में आपस में टकराने जा रही हैं। मगर तरण आदर्श ने ये भी लिख दिया है कि ये पांच क्लैश कन्फर्म हो गए हैं, मगर ये तो अभी बस एक शुरुआत है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2021 में बड़ी फिल्मों का आमना सामना होने जा रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं साल 2021 के पांच बड़े क्लैशेस पर। सबसे पहली है ईद। राधे यानी कि सलमान खान बनाम सत्यमेव जयते 2 जॉन इब्राहिम। दूसरी है 28 मई बेल बॉटम अक्षय कुमार बनाम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 विन डीजल। तीसरी है 2 जुलाई शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा बनाम मेजर अदीवी शेष। चौथी है दशहरा RRR जूनियर NTR बनाम मैदान यानी कि अजय देवगन। पांचवी है दिवाली पृथ्वीराज अक्षय कुमार बनाम जर्सी यानी कि शाहिद कपूर। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि इन पांच क्लैश से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल फिल्मों को लेकर अलग ही बज है। दशहरा के दिन होने जा रही फिल्में RRR और मैदान के क्लैश को लेकर पहले ही बोनी कपूर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन फिल्मों में काम कर रहे स्टार्स की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, साथ ही फैंस किन फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। चाहे जो भी हो, थिएटर्स खुलने के बाद उम्मीद तो यही होगी कि बॉक्स ऑफिस पर बड़े आंकड़े सामने आए।